Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. Epic Tales of Love में आज हम एक बहुत ही सुंदर लोक कथा बताएंगे जो भारत के इतिहास से भी जुड़ी हुई है। ये कहानी है राजकुमार पुन्नू और एक धोबी की लड़की सस्सी की। सुनते जाइए ये एपिक टेल ऑफ लव परिहास है। शुरुआत होती है भंभोर सिंध में। भंभोर के राजा की कई संतानें थीं, मगर उन्हें एक ही बेटी नसीब हुई। राजा और उनकी बीवी ने उसका नाम सस्सी रखा। सस्सी माने चांद। सस्सी के माता पिता को अपनी बेटी के चेहरे में चांद जैसी रोशनी और चांद का ऐश्वर्य दिखाई पड़ा, मगर एक ज्योतिष ने उनके मन में डर पैदा कर दिया। उसने भंभोर के राजा से कहा कि उनकी बेटी एक दिन उनके सम्मान को ठेस पहुंचाएगी। ये सुनकर दोनों बड़े निराश हो गए। उन्होंने सस्सी को एक गर्म कपड़े में लपेट कर एक टोकरी में रखा। सस्सी की माँ ने उसकी सुरक्षा के लिए दुआ पढ़कर एक तावीज उसके गले में बांध दिया और उसे सिंधु नदी में बहा दिया। एक धोबी ने उस टोकरी को अपनी तरफ बहते हुए देखा। उसने जब टोकरी को नदी से निकाला तो उसने पाया कि उसमें एक बच्ची है। इत्तेफाक से उसने भी उस चांद सी प्यारी बच्ची को देखते ही सस्सी कहा। वो सस्सी को अपनी पत्नी के पास लाया। धोबी और उसकी पत्नी की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने सस्सी को किस्मत का तोहफा समझकर बड़े अच्छे से पाला। जब सस्सी बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता के पूरी भूमि में चर्चे होने लगे। किसी तरह ये बात भंभोर के राजा तक पहुंच गई। उन्होंने इस लड़की को खुद देखना चाहा। जब सस्सी भंभोर आई तो रानी यानी उसकी असली मां ने सस्सी के गले में तावीज देखकर उसे पहचान लिया। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने सस्सी से उनके साथ महल में रहने की गुजारिश की, मगर सस्सी अपने लाचार माता पिता जिन्होंने उसे पाला था उनको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। फिर भी राजा ने सस्सी को रोकने की कई कोशिशें की। भंभोर के राजा एक दिन सस्सी को एक दूसरे राजा के घर ले गए। उनका बागीचा बहुत ही खूबसूरत था। उन्हें लगा सस्सी को इसमें दिलचस्पी होगी। सस्सी जब बागीचे में घूम रही थी तो उसने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान की पेंटिंग देखी और सस्सी के दिल में प्यार पनप गया। वो पेंटिंग पुन्नू की थी, जो राजा अली होथ के बेटे और मीर जलाल खान बलोचिस्तान के लीडर के पोते थे। जब पुन्नू को पता चला कि एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की का उन पर दिल आ गया है तो उन्होंने उसे खुद देखना चाहा, मगर वो अपनी रॉयल पैदाइश नहीं जाहिर करना चाहते थे, इसलिए वो एक मर्चेंट के भेस में भंभोर पहुंचे। वो अपने कपड़े धुलवाने के बहाने से सस्सी के घर आए। सस्सी ने पुन्नू को देखते ही पहचान लिया। सस्सी के पिता चाहते थे कि सस्सी की शादी किसी धोबी से हो। जब उन्हें पुन्नू के बारे में पता चला तो उन्होंने पुन्नू का इम्तिहान लेना चाहा। सस्सी के पिता मानते थे कि इंसान कितना भी अमीर हो उसमें विनम्रता जरूर होनी चाहिए। उन्होंने राजकुमार से कहा कि अगर तुम ये शर्ट किसी धोबी की तरह अच्छे से धोकर लाते हो तो तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। मगर राजकुमार ने शर्ट तो क्या, अपने जीवन में कभी एक रुमाल तक नहीं धोया था। शर्ट धुल तो गई मगर उसके चीथड़े भी हो गए। पुन्नू ने सस्सी के पिता को मनाने के लिए उन्हें ढेर सारी सोने की अशर्फियां पेश की। सस्सी के पिता जानते थे कि उनकी बेटी भी सिर्फ पुन्नू के साथ ही खुश रहेगी, तो उन्होंने बेमन से ही सही अशर्फियां स्वीकार कर ली। जब पुन्नू के भाइयों उमर और तुमर को मालूम हुआ कि उनके भाई की होने वाली बीवी एक धोबी की लड़की है तो उन्होंने भंभोर पहुंचकर पुन्नू को खूब डराया धमकाया। पर जब उन्होंने देखा कि उनका भाई उनकी बात इस तरह नहीं मानने वाला है तो दोनों पुन्नू का साथ देने का ढोंग करने लगे। शादी की पहली रात को उमर और तुमर ने अपने भाई को ढेर सारी शराब पिलाई और जब वो बेहोशी की हालत में था उसे एक ऊंट पर लिटाकर अपने घर केच के लिए निकल पड़े। जब सुबह हुई और सस्सी को अपनी देवरों के छल कपट का पता चला तो वो अपने होशो हवास खो बैठी।
सस्सी नंगे पैर ही केज की तरफ भाग पड़ी। केज पहुंचने के लिए उसे दो रेगिस्तानों को पार करना था। पुन्नू का नाम पुकारते हुए वो भागती रही जब तक उसके होंठ नहीं सूख गए और उसके पैरों में छाले नहीं पड़ गए। प्यास के मारे उसका गला सूखता जा रहा था। तब उसे एक गडेरिया का झोपड़ा नजर आया। गडेरिया ने सस्सी को पानी दिया, मगर उसकी सुंदरता देखकर गडेरिया के मन में खोट आ गया और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, मगर सस्सी किसी तरह वहां से भाग निकली। एक कोने में छुपकर उसने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि वो उसकी हिफाजत करे। कहा जाता है कि उसी वक्त जमीन फट पड़ी और सस्सी को अंदर लेने के बाद फिर से जमीन बंद हो गई। सिर्फ सस्सी का दुपट्टा जमीन के बाहर हवा में लहराता रहा। ये देखकर गडेरिया अपने घुटनों पर गिर गया और ऊपर वाले से माफी मांगने लगा। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए गडेरिया सस्सी की कब्र का रखवाला बन गया। पुन्नू को जब होश आया तो वो भी सस्सी से मिलने भंभोर की तरफ भागा। रास्ते में उसे सस्सी का दुपट्टा नजर आया। पूछने पर गडेरिया ने उसे पूरी कहानी बताई। पुन्नू ने भी सस्सी की कब्र के पास बैठकर ऊपर वाले से प्रार्थना की कि उसे उसकी सस्सी के पास भेज दिया जाए। तभी जमीन एक बार फिर से फट गई और पुन्नू को अपने साथ अंदर लेकर वापस एक हो गई। दोनों की कब्र आज भी लसबेला में मौजूद है। 1980 में हाजी मोहम्मद ने उनके लिए एक समाधि बनवाई, जिसे आज भी हजारों देखने आते हैं और सस्सी पुन्नू की इस प्रेम कहानी को याद करते हैं।